नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। खंडवा में भी भाजपाइयों ने जिला भाजपा कार्यालय सहित नगर के मुख्य चौराहों के अलावा पूरे जिले में भी ढोल नगाड़ों के साथ डीजे बजाते हुए आतिशबाजी कर भाजपा की बढ़त हासिल करने में हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी है तो सब मुमकिन है। वहीं उनके द्वारा कहा गया कि यह मोदी जी योगी जी का दोनों संयुक्त उन्नत कार्य के लिए पुनः प्रसाद के रूप में भाजपा के रूप चुना है। जी श्रीमान जी, आज जिस प्रकार से सब रुझान देखने को मिले हैं यूपी में और अन्य प्रदेशों के जो चुनाव थे, उसमें आज किस प्रकार से आप सोचते हैं और क्या आगे की रुझान? नहीं, स्पष्ट ही हो गया है भारतीय जनता पार्टी सरकार चार राज्य में बन रही है। हमारे लाखों कार्यकर्ता अपनी क्या है, कुछ मध्य प्रदेश कार्यकर्ता है, पूरे सभी कार्यकर्ता आए थे और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज ये बता दिया है कि भारत के नेता नहीं हो, दुनिया के सम्मान नेता हो गए मोदी जी। अरे श्रीमान जी, आज जैसे यूपी और अन्य प्रदेशों में चुनाव थे और उसका आज रिजल्ट आया है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? हमारे उत्तर प्रदेश जिन राज्यों में जहाँ चुनाव हुआ है वहाँ लाखों कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत रही है और दुनिया ने वो देश ने स्वीकार कर लिया है कि हमारे देश के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और आज उनकी जो वर्चस्व उनका जो प्रसिद्धि क्षेत्र में है उसी का परिणाम है योगी जी की दूसरी बार सरकार बनी है। चारों राज्यों में जैसा कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में हमेशा बदला जाता था, लेकिन इस बार वो देखने को नहीं मिला और इस बार वास्तविक रूप से ये देखने को मिला है कि योगी जी को वापस पुनः स्थापित किया जा रहा है। योगी जी का जो लक्ष्य है परम भवन में तुम्हें तस्वराष्ट्र भारत माता को पहुँचाना। आज जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में जो आज पुनः योगी जी को स्थान मिला है, क्या कहेंगे आप? योगी जी ने जो काम किया उसके परिवर्तन को आपस से रिपीट किया है, सपोर्ट किया जनता ने पूरा। आप कैसा लगता है, आपको मध्य प्रदेश में भी काफी उत्साहित है नजर आ रहा है? मध्य प्रदेश में भी आएगी बीजेपी सरकार। आपका परिचय दें। प्रेम यादव जी, आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं उसमें रिजल्ट आया है जिसमें माननीय योगी जी को पुनः स्थापित किया गया है जनता के द्वारा, क्या कहेंगे? आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और योगी जी के द्वारा जो कार्य करे हुए थे उसमें आपको क्या क्या अच्छा लगा? उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? सर, आज जो योगी सरकार ने अपना स्थान वापस सुनिश्चित किया है और जनता द्वारा उनको वापस अपने स्थान पर आसित किया गया, क्या क्या सोचते, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कर रहे थे, कार्य उनका बहुत अच्छा है। यूपी में उनने बहुत से कार्य किए थे, उनका बहुत आभारी है कि उसने अपना सीट बरकरार रखी। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, योगी सरकार बहुत अच्छा इंसान। अपना परिचय दें, नाम दें। जी अपना परिचय दें सबसे पहले तो। पंडित जी और सांसद प्रवक्ता सांसद प्रतिनिधि, जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि देश में सबका साथ सबका विश्वास के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं महिलाओं के प्रति, गरीबों के लिए जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग को जो लाभ पहुँचाया जा रहा है, इसका एक परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो देश का सबसे बड़ा प्रांत होता है और वहाँ पर इत्यादि और हम अग्रसर हैं। इसी प्रकार इस वर्ष जो 5 विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उन 5 विधानसभा में 4 में भाजपा अपना पत्थर लगा रही है। निश्चित तौर पर हमने गुंडा राज को यूपी में खत्म किया है, सबको समान योजनाओं का लाभ सबको दिया है, सबका साथ सबका विकास के तहत कार्य कर रहे हैं और
जनता का विश्वास लगातार भाजपा के प्रति बढ़ता जा रहा है, मोदी योगी के प्रति बढ़ता जा रहा है, जिसका परिणाम है कि आज ऐतिहासिक जीत की ओर हम अग्रसर है। 5 विधानसभाओं में से 4 विधानसभाओं पर भाजपा अपना परचम लहराने जा रही है। आने वाला समय जो है पूरा भाजपा का है। एक समय जब हुआ करता था, हम देखते हैं कि कांग्रेस का पूरे देश में वर्चस्व था, पूरे देश के हर प्रांतों में कांग्रेस का वर्चस्व था, लेकिन पूरी तरह से कांग्रेस गर्त में जा रही है और भाजपा का कमल झुकता जा रहा है। एक बार पुनः परिचय दें आपका। मैं सुनील जैन, सांसद प्रवक्ता। खंडवा से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ दीपक चावड़े की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।